हमलावरों ने घर जा रहे मजदूर को सीने पर गोली दाग दी और फरार हो गए। घायल को सरकारी ट्रॉमा सेंटर से आगरा रेफर किया गया। और नेपई में दबंगों ने युवक को गोली मारकर घायल किया है। युवक नेपई का रहने वाला है, जो कि फैक्ट्री में काम करने जा रहा था। वहीं ममता विद्यालय, ममता डिग्री कॉलेज के सामने दबंगों ने अकेला पाकर उसके पर जानलेवा हमला कर दिया, और हमले के दौरान युवक गंभीर घायल हुआ है। घायल की सूचना मिलने पर थाना रामगढ़ पुलिस पहुंची और क्षेत्रीय लोगों ने उसको जिला अस्पताल पहुंचाया है। रामगढ़ क्षेत्र के गांव नेपई का रहने वाला विशाल श्रुति है, जो कि ब्रह्म देव नगला भाऊ इंडस्ट्रीज एरिया स्थित मित्तल ग्लास में काम करता था। रविवार शाम करीब 7 बजे की वह घटना है कि वो साइकिल से गांव जा रहा था। ममता विद्यालय के समीप घात लगाए बैठे चार हमलावरों ने उसे रोक लिया और गाली गलौज करने लगे। हमलावरों में से एक ने तमंचा निकाल कर विशाल के सीने पर दाग दिया। हालांकि विशाल की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसको आगरा रेफर कर दिया गया है, जहाँ उसका उपचार चल रहा है। मेरा नाम सुनीता देवी है। गोली की क्या घटना है? उनने गोली मारी है, मतलब किसने मारी है? राजवीर ने, और राजवीर का लड़का है जो वावे फौज में बाने और भुट्टा ने और एक और बाकी साथ है जो माने पहचान ना पाए। कोई बात नहीं है, जे तो आ रहा रोज कारखाने काम करके आते है, डेली आने को है। गोली किसने मारी? राजवीर करना। कौन है? राजवीर दोबे। कौन है, कहाँ रहते हैं? मैं भाई। कौन लगते हैं आपके? मैं कोई ना लगा तो आपके वही पास में ही रहते हैं? अरे इस लड़का पर तो क्या दुश्मनी है, किस वजह से गोली मारी है? अरे पोकली आ गई है, पली के संदाई बाब। किस बात को लेकर? जिनने पोकली जमीन गई थी ता चक्कर जो कर तो देखे नंगो। कब गोली मार दी? अब मारी है।